नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रूपाली जैन, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन न्यूनेटोलॉजिस्ट वाशी में। आज हम बात करेंगे कि बहुत सारे पेरेंट्स मेरे पास ये पूछते हैं, ऐसा हम क्या करें कि बच्चे का इम्यूनिटी अच्छा हो जाए, इम्यूनिटी बूस्टर के लिए क्या दें हम अपने बच्चे को। तो ये मैं आपको सबसे पहले बताना चाहती हूँ कि ऐसी कोई एक दवाई नहीं है जिसको दे के बच्चे का इम्यूनिटी एकदम से हम बढ़ा सकते हैं। सीधा जन्म से जब चालू होता है, हमें पहले 6 महीने में बच्चे को सिर्फ माँ का स्तनपान कराना चाहिए। जब बच्चा खाने लगता है तब हमें ध्यान रखना है कि हम उसको सभी प्रकार का खाना दें, मतलब सीरियल्स, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एग्स एंड मीट, सभी को सही मात्रा में दें। ना कि बच्चा सिर्फ चावल ही खाया जा रहा है या दाल ही खाया जा रहा है, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, हम बच्चे की सब कुछ, बच्चे के आसपास का एरिया जो है ओवर सैनिटाइज नहीं करें, मतलब सब सफाई रखना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ या बहुत अधिक मात्रा में सफाई ना रखें। नॉर्मल जितनी हम घर में सफाई रखते हैं उतनी ही बच्चे के लिए काफ़ी होती है। चौथा, बच्चे को रेगुलर एक्सरसाइज या बच्चे को रेगुलर खेलने दें। एक्सरसाइज, जैसे बच्चा नीचे खेलने जा रहा है, अपने फ्रेंड से मिल रहा है, क्योंकि जितना वो और बच्चों के साथ खेलेंगे उतना जो माइनर इन्फेक्शंस, छोटे मोटे इन्फेक्शंस अगर उनको होते भी हैं, वो उनकी इम्यूनिटी बढ़ाएंगे। इसलिए बच्चों को बाकी बच्चों के साथ खेलने दें, उनको रोक के बांध के घर में ना रखें। पाँचवीं चीज़, बच्चे का हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारे बच्चे को अपने पीडियाट्रिशियन को दिखाना है, कभी अगर बच्चों को बहुत कॉमन है कि बच्चे को आयरन की डेफिशिएंसी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, अगर उनमें से दोनों में से कोई भी हो तो उसका सही इलाज लेना ज़रूरी है। आखिरी में, हमें बच्चे को रेगुलर 6 महीने में, हर 6 महीने में जो कीड़े की दवाई या जंतु की दवा बोलते हैं वो देनी चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे के पेट में कीड़े रहते हैं तो वो क्या करते हैं, जो भी न्यूट्रिशन बच्चा लेता है उसमें काफ़ी सारा न्यूट्रिशन तो वो कीड़े ही ले लेते हैं। तो फिर आप बोलते हैं कि बच्चे को हम खाना तो हमारा बच्चा खा रहा है लेकिन उसके शरीर पे नहीं लग रहा है। इसलिए हर 6 महीने में बच्चे को कीड़े या जंतु की दवा भी ज़रूर दें। मैं आशा करती हूँ ये सब अगर आप करेंगे, आपको किसी और इम्यूनिटी बूस्टर का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा और आपका बच्चा स्वस्थ रहेगा। थैंक यू।